यस बेटे, आज अपना वार्तक लेख करना है, बोली वार्तक लेख रिवाइज करना है। पहला लेखक ना रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं, 5-6 लेखक ना रिलेटेड क्वेश्चंस नोट करो। बोली वार्तक लेख दा लेखक ऑप्शन आएगी, तुसी इस तरह लिखने आंसर। लेखक गुरबख्श सिंह प्रीत लड़ी, ऑप्शन दिती होगी प्रिंसिपल तेजा सिंह, डॉक्टर बलबीर सिंह, डॉक्टर गुरदित सिंह। तुसी किन्नू लिखोगे? गुरबख्श सिंह प्रीत लड़ी, ठीक है। गुरबख्श सिंह प्रीत लड़ी दा लिखा होया लेख है वार्तक लेख। केड़ा वार्तक लेख है? बोली वार्तक लेख। सेकंड क्वेश्चन, गुरबख्श सिंह प्रीत लड़ी दा जन्म कदों होया? 26 अप्रैल। लेखक दा जन्म 26 अप्रैल 1895। हुण इहदे नाल इररेलेवेंट ऑप्शन होणगियां, जिवें 28 अप्रैल 1895, 26 अप्रैल 1894, तुहानूं पता होना चाहिए, ठीक है। लेखक बारे भी सारे क्वेश्चन करने हैं। लास्ट वीक घर का प्यार जो किया प्रिंसिपल तेजा सिंह ना रिलेटेड क्वेश्चन मैम ने करवाए थे बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक का जन्म कित्थे होया? गुरबख्श सिंह प्रीत लड़ी का जन्म कित्थे होया? गुरबख्श सिंह प्रीत लड़ी का जन्म कित्थे होया? अमृतसर, सियालकोट, रावलपिंडी? की लिखोगे? सियालकोट। लेखक का जन्म स्थान की है? जन्म स्थान, इदा करके लिख लो ना, ये वन मार्क क्वेश्चन हो गया। सियालकोट, जो कि अजकल कित्थे है? यस, जो कि अजकल कित्थे है? पाकिस्तान। लेखक का देहांत, नेक्स्ट वन इज, लेखक का देहांत कदों होया? लेखक का देहांत, मैं लेखक लिख रही हूँ, यदि थां ते गुरबख्श सिंह प्रीत लड़ी आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन लेखक का कोई भी हो सकता, दूसरी रचना का भी हो सकता है। बोली वार्तक लेख के आधार पर गुरबख्श सिंह प्रीत लड़ी का देहांत कदों होया? 1977। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो। लेखक ने किसनू अपना आदर्श बनाया सी जदों रचनावां लिखियां? पछमी देशां विच देखे खुले डुले जीवन नू, पछमी देशां विच देखे खुले डुले जीवन नू आदर्श बनाया, खुले डुले जीवन नू आदर्श, जीवन ही आदर्श। लेखक ने अपने रचनावां रचन लई किसनू आदर्श बनाया? पछमी देशां विच देखे हुए खुले डुले जीवन नू अपना आदर्श बनाया। लेखक ने, गुरबख्श सिंह प्रीत लड़ी ने अपना आदर्श किसनू बना लिया सी? पछमी देशां विच देखे हुए खुले डुले जीवन नू। उहदा इन्ना विचारां दा उहदे ते असर होया कि उहनू आदर्श बना के रचनावां रचियां ने उहने। उसने समाजिक कुरीतियां, वहमां भरमां ते होर बुराइयां नूं अपनियां रचनावां राहीं पेश कीता। हुण आपां गल करिए वार्तक लेख बोली दे बारे। वार्तक लेख बोली, पैरा वाइज मैं क्वेश्चन करावांगी, नाल नाल पैरा तुहानूं रीड करके भी दसांगी। सरी मूह किसदा चित्तर है? मूह शरीर दा चित्तर है। दोनों तरह नाल क्वेश्चन आ सकता है, शरीर दा चित्तर केड़ा है? मूह। आ फेस जड़ा है ये कदा चित्तर है? शरीर दा चित्तर है। लास्ट क्वेश्चन, पछमी देशां विच देखे खुले डुले जीवन ही लेखक दा आदर्श सी।
यस बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन, बोली किसका चित्र है? आत्मा दा। वेरी गुड, बोली किसका चित्र है? आत्मा दा चित्र। थोड़ी पार्टिसिपेशन होनी जरूरी है। बोली आत्मा दा चित्र है। केड़ी थां मोरां दी खान है? मोरां दी खान, मोरां दी खान केड़ी थां है? जिथे जिथे उन्हें नौकरी कीती है, जिथे वह घूमया फिरया, जिथे उसका बचपन बीतया, केड़ी थां है? बचपन दी थां। जिथे साडा बचपन बीतया वह साडे मोरां दी खान है। नोट करो बेटे क्वेश्चन का आंसर, मोरां दी खान जिथे साडा बचपन बीतया है, बचपन दी थां मोरां दी खान है। किसी दुनिया दिनों दिन कंगाल हुंदी रहिंदी है? किसी दुनिया, कौन दसेगा? किसी दुनिया, किसी दुनिया दिनों दिन कंगाल हुंदी रहिंदी है? जेड़े बच्चों का ज्यादा ध्यान रखते ने, जेड़े बच्चों वाल ध्यान नहीं देंदे, जेड़े दूजियां नाल नफरत करते ने, बोलो जेड़े दूजियां नाल हमदर्दी नहीं प्रगटाउंदे। हाँ जी भूमिका, भूमिका आंसर बोलो बेटे। केड़े हन? यस बच्चे, मैम जेड़े जेड़े बच्चों का ध्यान नहीं रखते। बेटे आवाज नहीं आ रही, थोड़ी आवाज ऑडिबल नहीं है। मैम जेड़े बच्चों, केड़े, जेड़े जेड़े बच्चों का ध्यान नहीं रखते, बच्चों की दुनिया का ध्यान नहीं रखते। नोट करो, नोट करो बेटे, जेड़े बच्चों की दुनिया का ध्यान नहीं रखते, बच्चों की दुनिया का, बच्चों का बचपन विच ध्यान नहीं रखते, वो वड्डे होके, वड्डे होके दिनों दिन, दिनों दिन कंगाल हुंदे जांदे हन। जां किन्हां दी दुनिया कंगाल हुंदी है जिन्होंने बचपन विच अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखा हुंदा, कंगाल हुंदे हन, उन्हां दी दुनिया कंगाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोली दा खजाना कदों जुड़ना शुरू हुंदा है? बोली दा खजाना कदों जुड़ना शुरू हुंदा है? यस, बोली दा खजाना कदों जुड़ना शुरू हुंदा? बचपन वेच, बचपन दे चुगिरदे तो, चुगिरदे सराउंडिंग्स, बचपन दे चुगिरदे तो जुड़ना शुरू हुंदा है। बोली दा खजाना जा उल्टा क्वेश्चन कर दो, केड़ा खजाना बचपन दे चुगिरदे तो जुड़ना शुरू हुंदा? बोली, दोनों तरह नाल क्वेश्चंस है, ठीक है? एक तरह नाल लिखाऊंगी, दूसरा क्वेश्चन अपने आप बनता है। केड़ा खजाना बचपन दे चुगिरदे तो जुड़ना शुरू हुंदा है? बोली दा खजाना, बोली दा खजाना जुड़ना शुरू हुंदा है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंदगी दे असली तजर्बे केड़े हन? जिंदगी दे असली तजर्बे केड़े हन? जिंदगी दे असली तजर्बे पढ़ना लिखना, घूमना फिरना, वेखना सुनना, मिलना जोड़ना तोड़ना, दसो केड़ा होएगा? वेखना सुनना, नोट करो, वेखना सुनना, मिलना, मिलना तोड़ना, जोड़ना जिंदगी दे असली तजर्बे हन। जिंदगी दे असली तजर्बे, जा क्वेश्चन आएगा, वेखना सुनना जोड़ना तोड़ना की हन?
जिंदगी दे असली तजर्बे हैं, जिंदगी दे असली तजर्बे हैं। वेखना खेडना मिलना खेडना भी है, ठीक है, मिलना सुनना जोड़ना तोड़ना जिंदगी दे असली तजर्बे हैं। मनुखी अमीरी का मेचा किस तो लगता है? मनुखी अमीरी का मेचा, मेजरमेंट, मनुखी अमीरी का मेचा किस तो लगाया जा सकता है? पैसे तो, धन दौलत तो, कोठियां कारां तो, बोली तो, या तजर्बे तो? बोली तो। मनुखी अमीरी अमीरी का मेचा बोली तो। इस तरह करके लिख लो, मनुखी अमीरी का मेचा लगाया जा सकता है बोली तो, क्योंकि जड़ी बोली है ना वो मनुख की शख्सियत निखारती है, लिशकांदी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मनुखी अमीरी का मेचा किस तो लगाया जा सकता है? मेच, मेचा, मेजरमेंट, मेचा। जिंदगी दी, जिंदगी दा असली सोना की है? जिंदगी दा असली सोना मनुख दी अकल है। अकल, पूरा पैरा देखो, जिंदगी दी दा असली सोना मनुख दी अकल है। जिंदगी दा असली सोना मनुख दी अकल है। किसे तजर्बे दा मुख हिस्सा की हन? किसे तजर्बे दा मुख हिस्सा की हन? बोली, पैसा, अमीरी या लफज? लफज। लेसन पढ़ोगे ता पता चलेगा तुहानू, लफज किसे तजर्बे दा मुख हिस्सा हन? लफज तजर्बे दा मुख हिस्सा हन। किसे भी तजर्बे दा मुख हिस्सा की हन? साडे लफज। किसे तजर्बे, क्योंकि लफजा तो बोली बनते है ना, जो जे लफज बने ये घड़े जानगे, ठीक है, लफज साडे तजर्बे दा हिस्सा हन। नेक्स्ट क्वेश्चन केड़ा समा सब तो कीमती समा? बचपन दा समा, जवानी दा, बुढ़ेपे दा, नौकरी दा, के बचपन दा? यस, केड़ा समा सब तो कीमती समा है? सब तो कीमती समा, नोट कर लो बेटे, कीमती समा, जिंदगी दा कीमती समा। यस बेटे, जिंदगी दा कीमती समा बचपन। जिंदगी दा कीमती समा बचपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, केड़े लोग बेभागे हुंदे हन? बेभागे, बदकिस्मत। जे चैप्टर तुसी थोरोली रीड किया हो, अज जाके अज तुसी इस चैप्टर नू, वार्तक लेख नू अच्छी तरह रीडिंग करना और मेन फैक्ट्स है ना अंडरलाइन कर लेना, वही सारे वन मार्क क्वेश्चन क्विज दी फॉर्म च आने। केड़े लोग बेभागे होंदे हन? चलो ऑप्शन दसी हां, जिन्हां कोल पैसा नहीं हुंदा, जेडे अपनी बोली नहीं अपनांदे, दूजी बोली अपनांदे हन, मीनस वक्री बोली अपनांदे ने, जेडे अपनियां तो सखने हुंदे हन, केड़े लोग बेभागे हुंदे हन? जेडे वड्डे होके वक्री बोली जिन्हां नूं अपनानी पैंदी है, जेडे बचपन तो अपनी बोली तो सखने हो जांदे ने, ते वड्डे होके जिंदगी दी शाहराह ते चलदे आ उन्हां नूं
ਵੱਖਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਬੇਭਾਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੇਭਾਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਬੋਲੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਉਲਟਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਬੇਭਾਗੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਬੋਲੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ? ਬੇਭਾਗੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਵੱਖਰੀ ਬੋਲੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਬੇਭਾਗੇ, ਬੇਅਗੇਤਰ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਬਦਕਿਸਮਤ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਲਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੇਭਾਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਬਚਪਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਯੈਸ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਬਚਪਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੈ? ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਿੱਠੀ ਤੇ ਮਨੋਹਰ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਿੱਖੀ ਉਹ ਮਿੱਠੀ ਤੇ ਮਨੋਹਰ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਨੋਹਰ ਮਿੱਠੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਡਿੱਠੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਬੋਲੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਬਚਪਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੈ? ਮਾਂ ਬੋਲੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਅਸਲੀ ਦੌਲਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਤਜਰਬੇ, ਤਜਰਬਾ ਉਸਦੀ ਅਸਲੀ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਅਸਲੀ ਦੌਲਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣਾ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਅਸਲੀ ਦੌਲਤ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੁਹੱਪਣ, ਹੁਣ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੁਹੱਪਣ ਕਿਸ ਤੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੁਹੱਪਣ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੂੰਹ ਕਿਸ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੁਹੱਪਣ ਕਿਸ ਤੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਮੂੰਹ ਤੋਂ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੁਹੱਪਣ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੁਹੱਪਣ ਜਾਂ ਕੋਝਾਪਣ, ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਸਰੀਰੋਂ, ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣਾ, ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਛਾਣਦੇ ਆਪਾਂ? ਫੇਸ ਤੋਂ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ? ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੀ ਨਾ ਸ਼ਕਲ ਸੋਹਣੀ ਨਾ ਅਕਲ ਸੋਹਣੀ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਕਲ ਪਹਿਚਾਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੋਲਬਾਣੀ ਤੋਂ ਅਕਲ ਪਹਿਚਾਨੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਿਖਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਦੀ ਹੈ? ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਲਿਸ਼ਕਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬੋਲੀ? ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ। ਤੇ ਫੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੋਹਣਾਪਣ ਕਿੱਥੋਂ ਝਲਕਦਾ? ਫੇਸ ਤੋਂ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਨੈਨਕਸ਼ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਫੀਚਰ ਬਹੁਤ, ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੜੀਆਂ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਨੇ। ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ। ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਖ ਸੋਹਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਉਸਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨਾਲ। ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲਿਸ਼ਕਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਿਸ਼ਕਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਿਸ਼ਕਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਵਿਦਾਊਟ ਹੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੇਟੇ। ਰਾਘਵ ਸਿਡਾਨਾ, ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਬੇਟੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੋਹਣਾਪਣ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੋਹਣਾਪਣ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਉਸੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ। ਸੁਹੱਪਣ ਜਾਂ ਕੋਝਾਪਣ, ਕੁਰੂਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਬੇਟੇ? ਮੂੰਹ ਤੋਂ। ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲਿਸ਼ਕਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਬੋਲੀ ਲਿਸ਼ਕਾਉਂਦੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਪੂਰਾ ਪੈਰਾ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਲੋਕ, ਨੋ, ਮੈਂ ਪੈਰਾ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ, ਲੈਸਨ ਚੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਯੈਸ, ਅੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ।
अन्ने लोक सियाने ते दिलचस्प हुंदे हन। पहरा सुनो ध्यान नाल, अन्ने आम तौर ते सियाने ते दिलचस्प हुंदे हन, पर गुंगा कोई विरला ही दिलचस्पी जगांदा है। सेकंड पैरा लैसन दा, अज तुसी लैसन पढ़ोगे ना पता चलेगा। फर्स्ट पैरे विच मनुख दा चेहरा उसके शरीर की तस्वीर है, जितों उहदा सोहणापन ते कोझापन नजर आना है। ते बोली मनुख की आत्मा की तस्वीर है, चित्र जां तस्वीर। ठीक है, समझ आ गई? यह दो क्वेश्चन हो गए। ते सोहणापन, मनुख का सोहणापन मूँह तो, मनुख की शख्सियत बोली तो। ठीक है, बोली जड़ी है मनुख की शख्सियत नूं लिशकांदी है। क्लीयर है? सैकेंड पैर चाहे अन्ने व्यक्ति सियाने ते दिलचस्प हुंदे हन। नैक्सट क्वेश्चन, मनुख की बोली क्यों जी पौन वर्गी हुंदी है? कोई दसा क्यों जी पौन वर्गी हुंदी है? पौन मीन्स हवा, फुल्लां ते फलां लदे बगीचे की महक वर्गी पौन वर्गी हुंदी है। बोली क्यों जी पौन वर्गी हुंदी है? पौन मीन्स हवा, क्यों जी पौन वर्गी? फुल्लां फलां ना लदे बगीचे की महक दी पौन वर्गी। जा क्वेश्चन है, फुल्लां फलां ना लदे बगीचे दी महक दी पौन वांग की है? की है? साड़ी बोली है, साडे लफज नहीं, साडा पैसा दौलत नहीं, साडी बोली महक दी पौन वर्गी है। अच्छा, जेड़ा इंसान बोली तो सकना है वह क्यों जी है? जिसके अंदर कुछ नहीं है, जिसके अंदर बोली नहीं है, रेगिस्तान विच तपदी हुई पौन वर्गी। किसी बोली रेगिस्तान विच, अगली लाइन है, ओदी बोली रड़े रेगिस्तान विच, रड़े मैदाना विच, रेगिस्तान विच रुखी तपदी पौन वर्गी है, जिसके अंदर बहुता कुछ नहीं है, ना अकल है, ना लफज हान, ना बोली है। ठीक है, ओ क्यों जा है इंसान? रेगिस्तान विच तपदी हुई रुखी पौन वर्गा। पौन दा मतलब की है बेटे? हवा। ठीक है, पौन पानी, वातावरण। रेगिस्तान विच, रेगिस्तान की होंदा जिथे मारूथल है, रेगिस्तान विच तपदी पौन वर्गा क्यों है? जिसके अंदर बोली नहीं है, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। जड़ा बोली तो सखना है, तजर्बिया तो सखना है, अकल तो सखना है, वह किदे वर्गा है? रेगिस्तान विच तपदी हुई रुखी पौन वर्गा है। ते जड़ा जड़ा लफजां नाल, अकल नाल, जिदी जिंदगी दी दौलत असली अकल है, दौलत तजर्बा है, जिसके कोल लफज हन, जिसके कोल बोली दी अमीरी है, वह किदे वर्गा है? फुल्लां ते फलां लदे बगीचे दी महक दी पौन वर्गा। समझ आ गई? क्लीयर है? पैरा सैकेंड पैरा सी जिदे विच दस्या है अन्ने ते अन्ने लोग सियाने ते दिलचस्प हुंदे हन। नैक्सट क्वेश्चन, कामयाबी दी कुंजी की है? कामयाबी दी कुंजी बोली। जेड़ा कोई इंसान पैसा कमा लैंदा, बहुत धन दौलत शोहरत भी बड़ी है, पर जिदी बोलबाणी अच्छी नहीं है, वह की कामयाब इंसान होया? बोली ही इंसान दी कामयाबी दी असली कुंजी है। मनुख दी कामयाबी दी असली कुंजी बोलबाणी। आपां एक चुप सौ सुख लेख पढ़िया सी 9th च, अगली टर्म च आपां विचारात्मक लेख पढ़ने हैं कि इंसान अपनी बोली तो पहचानिया जांदा है, कि इंसान नूं सोच समझ के बोलना चाहिए, अपनी बोली ते काबू रखना चाहिए, एहो जे बोल नहीं बोलने चाहिए जिहड़े कि किसे नूं हर्ट करन, किसे नूं टीज करन। गुरबाणी कहती है बोलन नालो ज्यादा बोलन नालो चंगेरी चुप, बोलत बोलत बड़े बिकारा। ठीक है, पढ़िया होया ना? अखाण सियाणिया दा कथन है कि अपनी बोली ते कंट्रोल करना भी जरूरी है, कि साडे लफज तोल मोल के ही बोले जान,
किसी नूं हर्ट करने वाले शब्द ना बोले जान। और ये लेख पढ़ के जिवें घर दा प्यार लेख पढ़िया तुसी, बोली वार्तक लेख पढ़ रहे हो, ये लेख तुहानूं की सिखांदे ने, ये स्टूडेंट्स नूं की सिखांदे ने, जिहड़े पढ़ रहे बच्चे ने, पाठक है तुसी, ये लेख पढ़दे हो तुसी की सिखदे हो? असीं अपनी जीवन जांच, अपनी जीवन जांच खूबसूरत किवें बनानी है। हाँ, नो डाउट तुसी पढ़ लिख के अपने साइंस मैथ सब्जेक्ट पढ़ के कोई मुकाम हासिल करना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, पर थोड़ी डीलिंग क्यों जी है? बोली जड़ी शख्सियत नु निखारती है, शख्सियत है ना जड़ी इंसान दी, उसे गुणा नाल ते उसी बोली नाल बनती है। बस इन्ना सोच लो, शख्सियत का मतलब परसनैलिटी, परसनैलिटी का मतलब यह नहीं है सोने ड्रैसअप हो गए तो जो बोलन लगे तो इन्ना कुरखत बोले, वो परसनैलिटी किसी काम की नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केड़ी चीज जिंदगी दे हुसना ते स्वादां दा जादू है? केड़ी चीज, बोली, केड़ी चीज जिंदगी दे हुसना दा जादू है? केड़ी चीज जादू है? बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, बचपन वेच मन ते चित्रे लफ्ज किसा काम करदे ने? बोलो, फर्स्ट क्वेश्चन मैं करवाया सी, मोरां दा मोर स्टैंप, बचपन वेच मन ते चित्रे होए लफ्ज, मन ते उकरे लफ्ज। एक होर क्वेश्चन भी है, केड़ी चीज नहीं भुलदी जिंदगी पर? मन ते चित्रे होए लफ्ज। ये दो क्वेश्चन बनने हन, केड़ी चीज कदे नहीं भुलदी? मन ते चित्रे होए लफ्ज कदे नहीं भुलदे, ते मन ते चित्रे होए लफ्ज, चित्रे मीन्स उकरे होए लफ्ज, किस वर्गे हन? मोरां वर्गे हन। दो क्वेश्चन नोट कर लो, केड़ी चीज मोरां वर्गी है? मन ते चित्रे होए लफ्ज। ये सारे वन मार्क क्वेश्चन आने हैं कल दे टेस्ट भी, मन ते चित्रे होए लफ्ज मोरां वर्गा काम करदे हन। ते मोरां दी खान केड़ी थां है? जिथे अपना बचपन बीतिया है, बचपन जी तक अपा कठे करने हैं। ये किस तो मनुख दी असली अमीरी दा मेचा लगदा? तां क्लियर हो गया, बोली तो डन बेटे, बाकी अपा कल दी क्लास विच अपा मुहावरे करांगे, ठीक है बच्चे? कल दी क्लास मुहावरे करने हैं, ते बोली वार्तक लेख एक बारी चंगी तरह तुसी रीड करना है।